नमस्कार दोस्तों आइए दोस्तों मैंने जब बारकोड प्रिंट करती है ना ये कुछ इस तरीके से आ रहा है आप देखिए पूरा टेढ़ा मेढ़ा प्रिंट आ रहा है इसको किस तरीके से सोड़ किया जाती है देखो इतना बहुत बड़ा प्रिंट आया ये देखो ये एक्चुअली मैंने छोटा सा दो स्टिकर प्रिंट किया था तो इस तरीके से आया देखो ये छोटा सा स्टिकर है ये पूरा वर्टिकल में एक एक स्टिकर में प्रिंट होना चाहिए था एक्चुअली ये एक स्टिकर में प्रिंट होना चाहिए थी तो इस तरीके से मतलब उल्टा सीधा प्रिंट आ चुका है तो हमने इसको किस तरीके से सेट करेंगे देखो मैंने दोबारा अभी प्रिंट करके अभी दोबारा दिखा रहा है आपको देखो ये मैंने कट कर देता हूँ आप जैसा इसको प्रिंट कर देते हैं ना ये देखिए ये देखो इतना बहुत बड़ा चला जाती है तो कोई भी इस तरीके से प्रिंट अगर आती है आपको इसको बहुत ईजीस्ट e वे में हमने फोल्ड किया जा सकता है तो उसके लिए वेरी सिंपल स्टेप है आपने स्टेप को फॉलो कीजिएगा और मैंने और एक चीज आपको दिखा रहा हूँ इसको जो डेप्थ या शार्पनेस कम होती है यानी डार्कनेस कम होती है तो उसको किस तरीके से डार्क किया जाती है मोर तो ये भी मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूं तो सबसे पहले रिटेल स्पेस, इंडिया का मोस्ट एडवांस रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर दोस्तों और रिटेल दाड़ी बिलिंग सॉफ्टवेयर का ऑफिस है दोस्तों यहाँ आपको जो भी हेल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए आपको मिल जाएंगे यहाँ से इसलिए मैंने अभी तुरंत का तुरंत देखो आ, ये बारकोड में चला जा रहा हूँ देखो बारकोड क्रिएशन आपका सारे प्रोडक्ट इधर दिखाई देती है देखो सारे प्रोडक्ट्स उसमें से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट एन करके मैंने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया हुआ है और मैंने कोई देखो बहुत सारे टेम्पलेट आपको यहाँ मिल जाती है बार कोड का टेम्पलेट्स तो उसमें मैंने ये एक टेम्पलेट चूज़ किया है जैसा टू बाई वन इंच मैंने इसको देख रहा हूँ देखिए तो ये टेम्पलेट आ गया मैंने लेकिन इसको प्रिंट करती है मैंने जो अपना जो बार कोड का प्रिंटर सेलेक्ट करती है और प्रिंट करती है देखो बहुत बड़ा प्रिंट आ जाती है तो इसको आपको सेट करने के लिए वेरी सिंपल है मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले ये जान दीजिए और उसके लिए आपने क्या करना जैसा आपने प्रिंट करती है देखो ये प्रिंट में चला गया आपका प्रिंटर का ड्राइवर सीधा सीधा इधर दिखाई देती है तो प्रिंटर का ड्राइवर का सीधा सीधा देखो इसको प्रोफ्रेंसस में चला जाना आपने तो आपने देखो ये एक न्यू बार, ये बारकोड साइज इसको सेलेक्ट कर दीजिए क्रिएट कीजिए जैसे फॉर एक्जाम्पल ये जो स्टिकर है ना ये जो स्टिकर का साइज़ क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये टू इंच बाई वन इंच है यानी फिफ्टी एम एम बाई ट्वेंटी फाइव एम एम ठीक है जी ये एम एम ट्वेंटी फाइव एम एम ये फिफ्टी एम एम है उसके लिए एक स्टिकर इधर बनाई है आपने ये जो है ना कट लेबल्स है मतलब कट मतलब एक एक स्टिकर ऐसा अलग अलग रखा हुआ है इसके अंदर ये इसलिए करके मैंने कट लेबल सेलेक्ट किया हुआ है आपको दूसरा ऑप्शन भी इधर मिल जाती है कंटिन्यूस फिक्सड लेंग्थ वगैरह आपने कट लेबल सेलेक्ट कर दीजिए और ये जो स्टिकर के एक नाम डाल दो आ, बार कोड फिफ्टी इन ट्वेंटी फाइव एम एम इस, इस तरीके से लिखिए आपने देखिए यस yes. उसके बाद आपने वृथ्थ और ये जो फिफ्टी एंड ट्वेंटी फाइव एम इधर लिख लीजिए आपने फिफ्टी एम एम विड्थ और ट्वेंटी फाइव एम एम हाइट्स ठीक है ऑटोमेटिकली स्टिकर का साइज इधर आ जाती है आप इसको ओके करिए है ना इसके बाद इसको ओके okay करिए फिर इसको अप्लाई करिए अभी मैं प्रिंट करने वाला हूँ और इसमें थोड़ा सा शार्पनेस का भी क्वालिटी इश्यू आ जाती है आपको और इसका जो बीच बीच में जाके ब्रंड आ रहा है देखो सेंटर में ब्रेंड नहीं हुआ है ना तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा ये प्रिंटर में दोबारा उसी सेटिंग्स पर चला जाइए जो आपने सेटिंग्स बनाया देखो ये जो ये जो ड्रॉप डाउन में आपको जितना भी सेटिंग्स आपने बनाया मतलब लेबल क्रिएट किया सारे सब कुछ आपको इधर दिखाई देती है तो ये जो बारकोड का जो है हमने अभी बनाया था तो इसके बाद आपने देखो ये देखो आ, स्ट्रोक में चला जाइएगा देखो ये हाँ आपने ये जो जो है ना इसको थोड़ा सा लेबल विक्स मार्क्स लगा के देखिए ओके okay. तो उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा दोस्तों थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिए ताकि एक एक स्टिकर बाहर आ जाएंगे आपको इसका मतलब वो आपको अलइ है यानी कैलिब्रेशन ओके है उसके बाद आपने क्या कीजिएगा दोबारा एक बार ब्रिंट करके देखिए आपने ब्रिंट ये एकदम सेंटर में आ रहा है अभी देखो मैंने दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ देखो एकदम सेंटर में ब्रिंड आ रहा है मतलब हर बार कोड का सेंटर में ब्रिंट आ रहा है थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको देखिए प्रॉपरली आ रहा है तो ये आपको प्रिंट तो आ गया तो आपको कभी कभी क्या होता है ना थोड़ा सा डार्कनेस प्रॉब्लम आ जाती है देखो इस तरिके से तरिके से तरीके से थोड़ा सा लाइट में प्रिंट अगर होती है तो डार्क किस तरीके से किया जाती है डार्क करने से मतलब ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है मैं डार्क करके आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा इससे भी और डार्क करता हूँ उसके लिए आपको देखो प्रोफ्रेंसेस में जाइएगा प्रोफ्रेंसेस में और इधर देखो आपको ये ऑप्शंस मिल जाती हैं तो ये देखो आपको ये देखो ना ये इसमें आपको देखो दो ऑप्शन मिल जाती है इसका देखो जब भी डार्क ज़्यादा किया जाती है ना इसका स्पीड कम करना है ये स्पीड का ऑप्शन है तो ये आपको जैसे प्रिंट का स्पीड है देखो अभी मैंने करके दिखा रहा हूँ सबसे पहले देखो नॉर्मल स्पीड क्या है आपने देख लेना देखो नॉर्मल स्पीड आपने देख लिया इस तरीके से रहा है जल्दी आ रहा है तो हमने थोड़ा तो सा स्पीड कम कर लेते हैं इसका स्पीड कम करती है इसलिए जैसे छोटे छोटे बारकोड प्रिंट करते हैं ना तो स्पीड कम करना जरूरी है तो मैंने वन सीरो वन से लेकर के मैंने ई एम ये अभी पढ़ा था ये पहले था अभी मैंने छोटा कर दे रहा हूँ फिफ्टी ई एम एम पर सेकेंड ओके okay कर रहा हूँ अप्लाई कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ देखो बहुत धीरे से आ जाएंगे देखिए धीरे से आ रहा है तो उसके बाद आपको देखो धीरे से आने से क्या होता है ना इसका शार्पनेस और एकोरेसी ज़्यादा हो जाती है और इसका प्रेफरेंसेस में जाकर के फिर आ, आपने देखो उसके अंदर ये जो डेप्थ है ना जी डार्कनेस ये जो बड़ा बड़ा से आपको डार्कनेस यानी थर्मल हेड का जो है ना हीट ज़्यादा किया जाती है ज़्यादा डार्क करने से भी है ना प्रॉब्लम होती है मतलब पूरा डार्क हो जाती है ये देखो बहुत डेप्थ में जा रहे हो बहुत डेप्थ में यानी इसके अंदर जो ये जो हेड है ना मैं दिखा रहा हूँ ये जो ये देखो ये इसके अंदर जो हेड होती है ये देखो ये जो हेड होती है इसके अंदर है ना थर्मल टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है और इसमें ज़्यादा टेम्परे टेम्परेचर अपने हो जाती है ये कार्बन होती है इसमें जो काला जो चीज़ होती है जो कार्बन वो इसमें चिपक जाती है तो ज़्यादा टेम्परेचर आने से आने की वजह से ज़्यादा चिपक जाती है उसका डेप्थ ज़्यादा हो जाती है इस तरीके से आपने कर सकता है और दूसरे और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इनकेस आपने इस तरीके से करने से भी कभी कभी आपको क्लीन प्रिंट प्रिंट आउट नहीं मिला यानी थोड़ा सा हल्का लाइट प्रिंट आ रहा है तो उसका उसी का दो टेक्नोलॉजी है आपको एक चीज़ करना है आपको ये जो देखा देख, देख, स्विच ऑफ कर देना सबसे पहले और ये जो हेड है ना ये हेड जितना भी ब्रेंडर का इस तरीके से दिखाई देंगे आपको इसमें देखो आपको इधर एक लाइन मिलती है काला लाइन देखो और उसका ठीक ऊपर ये जो लाइन मिल जाती है ये जो यहाँ से थर्मल प्रिंट आउट हो जाती है ये देखो इसको साफ़ करना है आप मतलब कॉटन ड्राई कॉटन कॉटन कप को भी कोई भी पानी वगैरह नहीं डालना है कॉटन कपड़ा से इधर साफ़ कर दीजिए बस और कुछ नहीं करना है और ये जो टेक्नोलॉजी क्या है इसके अंदर कोई भी इंग और कैटर्ज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए ये यहाँ से ये एक स्पेशल टेक्नोलॉजी थर्मल टेक्नोलॉजी प्रिंटर से है ये थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर कहता है थर्मल ट्रांसफ़र इसलिए है यहाँ से जो थर्मल होती है ट्रांसफ़र करके इसमें चिपक जाती है ये इसमें से ट्रांसफर करके इसमें चिपक जाती है तो इसके वजह से इसको थर्मल ट्रांसफ़र कहती है और कोई कोई बारकोड प्रिंटर आपको ऐसे मिल जाती है डायरेक्ट थर्मल उसमें क्या होती है आपको रिबन नहीं होती है ये जो पेपर जो होती है ना जो स्टिकर पेपर और थर्मल टेक्नोलॉजी का पेपर होती है उस थर्मल टेक्नोलॉजी के पेपर में ये आपको दिखने मिलेगा जहाँ गर्म होती है उधर काला हो जाती है ये वो पेपर में क्या होता है ना थोड़ा सा नाखून से भी आप थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे ना वो उधर और मार्क्स मार्क्स आ जाते हैं काला करके तो ये एटीएम से निकलने वाला जो पेपर वगैरह जो भी होते हैं ना आप थोड़ा सा उसको माच बॉक्स से या किस थोड़ा सा गर्म करके देखो पूरा ब्लैक हो जाती है और आपने आयन बॉक्स से थोड़ा सा गर्म करके देखो तुरंत ब्लैक होने लगेगा आपको तो सेम टेक्नोलॉजी है जहाँ जहाँ लेटर चाहिए वो ये गर्म करके देती है वहाँ ब्लैक हो जाती है उस तरीके से प्रिंटर को कहता है डायरेक्ट थर्मल तो मात्र दो टाइप के थर्मल प्रिंटर आपको मार्केट में मिलती है एक तो एक थर्मल ट्रांसफ़र ये वाला जो थर्मल ट्रांसफर जो रिबन डालती है इसकी वजह से ये थर्मल ट्रांसफर है और जो डायरेक्टली प्रिंट आउट हो जाती है उसको डायरेक्ट थर्मल इसमें एक डिसएडवांटेज भी है जो डायरेक्ट थर्मल में ये जो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर प्रिंटर जो भी आपने ये प्रिंट किया ये कभी उठेगा नहीं ये परमानेंट है ये कभी आ, साफ नहीं होता है लेकिन आपने जो डायरेक्ट थर्मल जो मैंने कहा वो आपको प्रिंट आउट आ जाएंगे तीन चार दिन एक हफ़्ते के बाद ये उड़ जाती, जाती। मतलब है गायब हो जाती है इसके अंदर कोई मतलब प्रिंट रहेगा भी नहीं साफ़ हो जाती है इसलिए करके आपको जैसा ए टी एम से निकलने वाला पेपर है ना आपको दो दिन के बाद हो तीन दिन के बाद हो गायब हो जाती है साफ हो जाती है तो आपने बारकोड वगैरह प्रिंट करके चिपकाने के लिए इस तरीके से थर्मल प्र, ट्रांसफर प्रिंटर इस्तेमाल करने से बेस्ट है और ये जो रिबन जो दिखा रहे हैं ना मैंने ये जो रिबन ये भी बहुत सस्ता आता है ये आपको थ्री मीटर का ये मैंने बहुत इस्तेमाल करने के बाद इतना दिख रहा है आपको ये थ्री मीटर का रोल है ये देखिए 300 मीटर बहुत काम कर सकता है ये आपको 200 हंड्रेड टू फिफ्टी रुपीज़ में अच्छा क्वालिटी का मिल जाती है अतः ये रिबन पुराना होने से भी काम नहीं करेंगे टू बी फ्रैंकली फॉर एग्जाम्पल आपने ये रिबन लिया दस साल के बाद या पाँच साल के बाद आपने कोई भी आ, ऐसे छोड़ के रखा था है ना उसके बाद आपने इसके अंदर डाला कि ये जहाँ हीट कपड़े होगा ना वो ट्रांसफ़र करके इधर आएगा भी नहीं क्योंकि वो पूरा ड्राई हो जाती है है ना उसकी वजह से कभी कभी आपने ये सब सब कुछ किया फिर भी साफ प्रिंट नहीं आ रहे तो आपका रिबन थोड़ा सा चेंज कीजिएगा ताकि आपका प्रिंट आउट अच्छा से आ जाएंगे और कुछ नहीं करना है इसमें और इस तरीके से जो भी प्रिंटर है ना कभी खराब होता भी नहीं टू तो बी फ्रेंकली और मैंने और एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ आपको इसके अंदर दो सेंसर भी होती है सेंसर कैसे लगाना मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ आ जाइए थोड़ा सा इसका देखो नॉर्मली प्रिंटर में देखो ये जो, ये जो सेंसर ये जो सेंसर है एक ठीक है जी ये जो सेंसर है और इसका नीचे भी एक सेंसर है ये देखो ये देखो ये जो सेंसर आपको दिखाना ना ये स्लाइडिंग भी कर सकता है किधर भी देखो ये देखो तो आपको ये जो लाइन्स आपको दिखाई दे रहा है एक एक लाइन दिखाई दे रहा है ना ये जो लाइन्स इसको ये वाला सेंसर सेंस कर लेता है देखो ये वाला सेंसर सेंस कर लेता है तो जैसा मैंने चोन करती है और एक बार दबाने के बाद उधर वो सेंस करके करेक्ट पोजिशन में आके खड़ा हो जाती है है ना ये जो बारकोड प्रिंटर हो तो लेकिन बिल प्रिंटर को ये वाला सेंसर बिल्कुल नहीं होता जैसा थर्मल प्रिंटर होता है वो वाला जो रखा हुआ नीचे रखा हुआ है इसमें इस, इस तरीके से सेंसर नहीं होते कंटिन्यूस रोल होती है उसमें बाई डिफॉल्ट कंटिन्यूस प्रेडिंग होती है और इस तरीके से सिस्टम है और कोई भी हेल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकता है दोस्तों ये जो ऊपर दिया गया नंबर पे आप कॉल कीजिएगा जो भी हार्डवेयर होते हैं इस तरीके से पी ओ एस बिलिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बार कोड स्कैनर इसका रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए आपको डायरेक्टली कॉल कीजिएगा दोस्तों वी आर हियर टू हेल्प यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू बाय